हक ने बना मेरे हुसैन का है, हक ने बना, हक ने बना मेरे हुसैन का है, हक ने बना, हक ने बना मेरे हुसैन का है, हर जमाना मेरे हुसैन का है, हर जमाना, हर जमाना मेरे हुसैन का है, हर जमाना। और जिसकी खातिर ये कायनात बनी, ऐसा नारा मेरे हुसैन का है, ऐसा नारा, ऐसा नारा मेरे हुसैन का है, ऐसा नारा, ऐसा नारा मेरे हुसैन का है, हर जमाना। शेर पेश कर रहा हूँ, समाप्त फरमाए, अता हो, हर जमाना मेरे हुसैन का है, हर जमाना जो जमीन से, जो जमीन में अनाज उगता है, जो जमीन माशाल्लाह। अब कोई बोले या ना बोले, कुछ लोग खामोश रह के सुन रहे हैं, मतलब ये नहीं है कि उन्हें अच्छा नहीं लग रहा, वो भी मोहब्बत से सुन रहे हैं। अल्लाह सबकी हाजिरी कबूल फरमाए। एक शेर और पेश करता हूँ, समाज फरमाए, हर जमाना मेरे हुसैन का है, तुम जिसे आसमां समझते हो, तुम जिसे समझते हो, तुम जिसे आसमां समझते हो,
शेर बहुत है इसमें मन का मतलब। एक शेर और सुन ले, बहुत खूबसूरत है, दिल लग रहा है आपका माशाल्लाह। जरा दिल लगा के बोल दो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हर जमाना मेरे हुसैन का है, बहुत खूबसूरत शेर है, समाप्त फरमाए। मेरे घर में चराग जलते हैं, घर में चराग जलते हैं, मेरे घर में चराग जलते हैं, मेरे घर में आना जाना मेरे हुसैन का है, आना जाना मेरे हुसैन का है, हर जमाना मेरे हुसैन का है। एक बहुत अच्छा शेर आ रहा है जिसकी रोशनी में आप हजरत से सुनेंगे कि जब तक आले मोहम्मद और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर दुरूद पाक ना पढ़ा जाए उस वक्त तक नमाज मुकम्मल नहीं होती है। इस हवाले से ये शेर पेश करता हूँ, समाज फरमाए। जरा दिल लगा के बोल दो या हुसैन। हर जमाना मेरे हुसैन का है, जिस पे हर एक दुरूद पढ़ता है, जिस पे हर एक दुरूद पढ़ता है, कि जिस पे रब को जिस पे रब को दुरूद पढ़ता है, ऐसा नाना मेरे हुसैन का है, ऐसे नाना मेरे हुसैन